Thank you, WWE. Thank you, Triple H, for this main event for Cody versus Roman 2. What a main event, yaar. I was expecting everyone jo aaya tha, but Undertaker, Stone Cold, everybody was expecting, but Undertaker, dude, वो मतलब वो जैसी टंग हुआ वो पूरा चिल्स चिल्स हो गए पूरे, मतलब लिटरली ऐसा मेन इवेंट, मजा आ गया यार. 80 इंटरफेरेंस और हर की हर बंदे के लिए कोई ना कोई रेडी था, और एंड में ओ माय गॉड, लिटरली स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा. इतने लोग स्टेज में कोडी के सेलिब्रेशन के टाइम थे वहां पे, मतलब लिटरली मजा आ गया. अब एंट्रेंस की बात करें तो मैच की बात करते हैं यार, एंट्रेंस कोडी की, व्हाट अ एंट्रेंस विद ब्रांडी थी, एंड रोमन रेंज, रोमन रेंज तो यार रोमन रेंज है यार. उनकी भी एंट्रेंस बहुत ही जबरदस्त थी, एंट्रेंस दोनों की इतनी लाजवाब थी यार, मजा ही आ गया. मैच इतनी कूल थी, मैच शुरू होते ही कोडी रोज ने टेबल निकाल लिया, रोमन रेंज ने अंडर डाल दिया, उसके लिए रोमन रेंज को हील लेवल जो उनका है वो और 1000 इंटू करके लगा दो, क्योंकि टेबल निकाल के टेबल अंडर डालना यानी बिग बिग गेल इन WWE. बाकी मैच बहुत इंटरेस्टिंग थी, रोमन ने बहुत डोमिनेट किया, कोडी ने बहुत डोमिनेट किया, दोनों ने एक दूसरे को काफी मारा है, मतलब इतनी सारी चीजें हो गई कि यार याद करना भी टफ है कि क्या क्या हुआ है. इतने सारे बार इतने सुपरमैन पंचेस के ट्राई, क्रॉस रोज के ट्राई, एक मेरे को पावर बॉम्ब अच्छे से याद है जो बहुत, वो जब डिजास्टर किक पहली मार रहे थे, फिर ऑडियंस में जाके जो जो हुआ, जहाँ पे लोग बैठते हैं वहां पे जो टेबल पे पहला सुप्लिक्स मारा था वो काफी खतरनाक लग रहा था, वो परी भी होगी. फिर रोमन ने यार ये भी बोला था कि ये मेरी कंपनी है भाई, मेरी कंपनी है, और क्रॉस रोड मारा था रोमन रेंज ने, और उसके बाद बोला था ये मूव इतना फिनिश है, इतना पावरफुल नहीं है यार, कोई पिन ही नहीं होता इसमें. उसके बाद यार हमने कोडी को भी देखा कि स्पीयर मारते हुए, जेमी उसो आए, जे उसो आए, फिर टेबल पे स्पीयर दिया जे उसो ने वहां. यार मैं 1 मिनट मैच से हट के बोलना चाहूंगा, सोचो गलती से वो स्पीयर इधर उधर हो जाता तो बहुत ज्यादा लगती. अब बिग सल्यूट टू दिस रेसलर यार, कि हमारे चेहरे पे स्माइल आने के लिए वो लोग अपने लाइफ से खेलते हैं, क्योंकि लिटरली वो टेबल की पोजीशन सेट थी एंड वहाँ पे इसलिए वेट किया स्पीयर के लिए ताकि जिमी मार्ट पहुंच जाए, नहीं तो बहुत डेंजरस होता है अगर वहाँ टेबल नहीं होता, डायरेक्ट नीचे गिरते, क्योंकि जब जम्प किया था तभी बहुत डेंजर, जैसे जे का पूरा सर नीचे के साइड था, बहुत डेंजर लग रहा था. बट यार फिर ये सीन हुआ और एक एक करके भाई बंदे आ गए, सोलो सिको आया, मतलब लिटरली 3 क्रॉस रोड पे सोलो सिको आ गए, एंड मेरे को लग रहा जॉन सीना अगली सेकंड आ जाएगा, बट नहीं, काफी मारा एंड भाई समन स्पाइक एंड स्पीयर को कोडी रोज ने तोड़ा. फिर आया हमारे जॉन सीना, एंड मैं जो जंप किया भाई, मतलब जॉन सीना आते मेरे चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ जाती है, एंड यू कैंट ब्लेम मी यार, ही इज जॉन सीना. फिर जॉन सीना ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारा, अनाउंसर टेबल पे भी, कमेंट्री टेबल पे भी एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारा, एंड फिर हमें रॉक देखने मिले, जॉन सीना रॉक आफ्टर अ डेकेड एंड मोर देन दैट, फेस टू फेस थे वो दोनों, एक रॉक बॉटम पर आ उनको. एंड यार उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सेट रॉलिंस क्या कुक कर रहे हैं, क्योंकि वो रॉक बॉटम के बाद सेट रॉलिंस है, एंड आपने देखा होगा वो कपड़े, ठीक है एक बार वो समझ में आता है, वो सील्ड के म्यूजिक पे है, उनने कपड़े भी सील्ड वाले पहने थे, क्या कुक कर रहे हैं वो, बट कुछ कर नहीं पाए वो, क्योंकि वो रॉक ढूंढ रहे थे किधर है किधर है, बट रोमन ने आके सुपरमैन पंजे मार दिया एंड वो गिर गए. एंड उसके बाद जो हुआ टंग, वो अंडरटेकर की एंट्रेंस, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट, ये WWE ने बहुत बड़ा ट्विस्ट मारा, एंड फिर एक चोक स्लैम पर आ, और हमने फिर देखा रोमन आते हैं, रोमन ने चेयर मारी सेट रॉलिंस को, और उसके बाद यार गेम हुई चेंज एंड कोडी रोज जीते हमारे, 3 क्रॉस रोज मारे एंड पिन किया, एंड स्टोरी फिनिश्ड हो चुकी है गाइस, न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन हमारे कोडी रोज बन चुके हैं, एंड व्हाट अ विन, व्हाट इमोशंस यार, मतलब लिटरली हर कोई, सैमी जेन, एले नाइट, सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, केविन ओवेंस, मतलब लिटरली सब, हर कोई रिंग में था, हर कोई रिंग में, फिर ट्रिपल एच को भी उनने बुलाया, मतलब बहुत अमेजिंग अमेजिंग यार, अपनी मदर को उनने बेल्ट हाथ में दी, वो बहुत अच्छा सीन था.
मतलब लिटरली यार मजा आ गया। एंड लिटरली आई विल से थैंक्स टू ट्रिपल एच एंड WWE फॉर गिविंग अस दिस, एंड हमारे चेहरे पे हमेशा ऐसी, मतलब आई थिंक ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम वो खड़ा हुआ भाई, पूरा खड़ा हुआ। मतलब लिटरली बेली जीती, डेमियन प्रिस का मनी द बैंक कैश इन हो गया, अब हमको कैश इन का वाला कभी अब देखने मिलेगा नहीं मनी द बैंक तक। तो बहुत कुछ हुआ इस रेसलमेनिया में, बहुत अमेजिंग रेसलमेनिया था। आप लोग का इस मैच के लिए क्या है, कोडी रोज की स्टोरी फिनिश होगी, आप लोग कितने खुश हो जरूर कमेंट्स में बताना गाइस। एंड ओवरऑल आपको रेसलमेनिया Night 1 Night 2 दोनों कैसा लगा जरूर बताना गाइस। लेट्स सी अब ये न्यू एरा में हमारे लिए WWE एंड ट्रिपल एच क्या लेके आते हैं, क्योंकि काफी मजा आने वाला है ये जरूर पक्का है मुझे।